नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में। मेरा देश बदल रहा है, ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं और ये शब्द तब कहे गए जब इस देश में किसानों के लिए उन्होंने नया शब्द गढ़ा और वो शब्द है अन्नदाता। लेकिन आज की तारीख में लगता है वाकई देश बदल चुका है, क्योंकि इसने किसानों के खेत खलिहानों में पसीना बहाते हुए देखा है। लेकिन अब सड़कों पर खून बह रहा है, ऐसे में वो भी किसानों का। इस देश ने देखा है सिंचाई और पानी के लिए किसान कैसे संघर्ष करता है, लेकिन सड़क पर पानी की बौछारों से उसे पीछे धकेलने पर सत्ता आमता है, सरकारें आमदा है। और इस देश ने देखा है कि हल ट्रैक्टर तक किसी तरह से व्यवस्था कराने से ये किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है जिससे वो अपने खेत को जोत सके। लेकिन आज की तारीख में ट्रैक्टर भी चले लेकिन सड़कें खोदी गईं, सत्ता ने सड़कें खोदी। और इस देश के भीतर में किसानों की पंचायतों को भी देखा गया और पहली बार ठीक संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पर समानता संसद भी किसानों ने सजा कर देखी, उसमें अलग अलग तरीके से प्रस्ताव भी पास कर लिए। इस दौर में किसानों की खुदकुशी की खबर आम हो चली है, लेकिन पहली बार आंदोलन के दौर में भी 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई और इस देश ने उफ तक नहीं कहा। जबकि इस दौर में जब किसान आंदोलन कर रहा है उसी दौर में इस देश में राशन का बाजार बढ़ता चला गया और जो अपने तरीके से खुदरा बाजार है, जो सीधे सीधे बड़े व्यापारियों नहीं बल्कि बड़े बड़े कॉरपोरेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट के कब्जे में है, उसने तकरीबन 45,000 करोड़ इसी आंदोलन के दौर में लगा दिए जिससे राशन पानी वो बेच सके और उससे मुनाफा मिल सके। इसी दौर में इस देश की खेती ब्रांड में तब्दील होती चली गई, लेकिन सड़क पर किसान का खून, खुदी हुई सड़कें, पानी के बौछारे, लाठीचार्ज, सब कुछ जो है वो चलता चला गया और देखा भी जाता रहा और ऐसे में मौत भी देखी गई। दरअसल क्या वाकई किसानों के सामने कोई रास्ता नहीं बच पा रहा, क्योंकि हमें लगता है, याद कीजिए साल 2017 जून का महीना, 6 जून मंदसौर में गोलियां चली थी, 6 किसानों की मौत हो गई थी और उस वक्त एक कमेटी भी भर्ती थी जस्टिस एके जैन की। उस कमेटी ने जब रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में गोली चार्ज जो दिया गया था उसको न्याय संगत बताया गया और कहा गया कि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए वो गोली चलाई थी और उससे निकलकर अब आप करनाल पहुंचेंगे तो ऐसे में कुछ दिन पहले की घटना है जब किसानों का खून बहा और किसानों का सर फोड़ देने का आदेश जो एसडीएम दे रहा था उस संदर्भ में डीएम ने कहा कि ऑफिसर बड़ा ही संजीदा है, उसके इरादे नेक हैं लेकिन उसे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मंदसौर में 6 किसानों की मौत और करनाल में 60 से ज्यादा किसानों का घायल होना, उसमें से एक किसान इलाज कराते कराते दम तोड़कर चला गया। और इन सब के बीच किसानों ने मांग रखी कि दोषी अफसरों पर एफआईआर दर्ज हो और मृतक किसान के परिवार को मुआवजा दी जाए और ऐसे में नौकरी भी दी जाए, घायलों को 2-2 लाख की मदद मिली जाए और 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था। चलिए किसानों का महापंचायत को लेकर क्या कहना है, सबसे पहले आपको यही सुनवा देते हैं। देखो, वहां की जो सरकार है, जो खटारा सरकार है, वह किसानों पर जुर्म पर उतर गई और वहाँ जब तक जो एसडीएम था उस पर कौशल के खिलाफ मुकदमा नहीं हो उसे जेल नहीं भेजा जा, तब तक वहाँ जो है किसान आंदोलन करते रहेंगे और हम लोग जो है उन किसानों के साथ है। जब भी कॉल आओगी तो हम तुरंत हरियाणा की तरफ कूच करेंगे। देखो, कोई भी अधिकारी बिना सरकार के इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मुझे नहीं लगता। और यदि उस अधिकारी ने रिस्क लिया तो वो बहुत मूर्ख अधिकारी, ऐसे अधिकारी को तो अधिकार रहने लायक है ही नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं खटारा सरकार का जो है वो हाथ है, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के इशारे पर काम हो रहा है, उद्योगपतियों के ही कहने पर बिल बनाए जा रहे हैं, उद्योगपतियों के कहने पर कानून कुल हम दो, हमारे दो की सरकार है। देखो, ये तो इन पंचायतों तो सरकार को बुद्धि आ गई, बुद्धि आकर आज भी कि जो किसान हित में इन्होंने अपने मैनुफेस्टो में वादे किए थे 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी, अपने वादे पर खरे उतर जाओ जो इन्होंने अपने मैनुफेस्टो में वादे किए।
अन्यथा इनका सफाया शुरू हो गया। ये पंचायतें उत्तर प्रदेश में लगातार होगी, जब तक चुनाव होंगे तब तक जारी रहेगी। फिर केंद्र के खिलाफ पूरे भारत में लगातार पंचायतें जारी रहेगी। ये जो हमारे हाईकमान का और जो हमारे पूरे जो किसान संघर्ष समिति है, यानी किसान मोर्चा है, भारतीय किसान मोर्चा, उसके संयुक्त मोर्चा, उसके द्वारा बिल्कुल सीधा सा बात है, जब तक इनका सफाया नहीं हो तब तक आंदोलन रहेगा। अन्यथा हमें कोई शौक भी नहीं इतना, ये अपने वादे पर पूरा करो, जो उन्होंने वादे किए वे वादे पूरे करके हमें कोई दिक्कत नहीं। ये इसलिए पंचायत करी जा रही है, सरकार घूमती रह रही है, सरकार बिल्कुल नहीं किसान को समझ रही है, किसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, सरकार तो केवल अडानी अंबानी के बारे में सोच रही है, इसीलिए दबाव बनाने के लिए पंचायतें हो रही है। सरकार की तानाशाही एक तरह से ब्रिटिश सरकार की तरह समझो, सरकार की तानाशाही ज़्यादा चल रही है, उसकी घोर निंदा करते हैं, सरकार ने ऐसा करा है। और जो SDM है उसे तो सरकार को सस्पेंड करना चाहिए, वे तो बिल्कुल ब्रिटिश सरकार गिरा लो, अपने आप को तानाशाही समझते आ रहे हैं, जिसका भतीजा है वे है, तो उसके दिमाग में भी है कि तू सरकार में है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि SDM को ऐसी सजा देनी चाहिए क्या निहत्ते किसानों पर जो लट बजाया है, आगे कोई ऐसी ना सोचे, क्योंकि किसानों का अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का। शांति प्रिय वे धरना कर रहे थे, कोई ऐसे तो वहाँ थान जब शांति प्रिय धरना चल रहा था और वे सीधम सीध कर रहे हैं, वीडियो वायरल भी हो रहा है कि उनको लाठी चार्ज करो इन किसानों पे, ऐसे गलत इस्तेमाल करा है उन्होंने शब्दों का, लाठी चार्ज को नहीं कहना चाहिए। इस समाधान तो सरकार के पास में है, सरकार आज चाहो किसानों से आज बात करके समाधान कर सकती है, पर सरकार तो एक तानाशाही रवैये पा रही है, तो सरकार नहीं चाह रही क्या किसान को बेच दिया एक तरह से, ये मान लो किसान को खत्म करना चाह रही है सरकार, क्योंकि सरकार जो है पूंजीपति की सरकार है। गन्ने का रेट आज लोग नहीं बढ़ाया है, 4 साल हो लिए, अब लोग 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया है। गेहूं के लिए मारामारी इतनी हुई थी गेहूं बेचने के लिए, अब भी किसानों के पास में गेहूं इतने पड़े हैं, और भी ऐसे इन्होंने कहा था कि हम दाना दाना गेहूं का लेंगे, सरकार किसान को उसमें तो विफल दिख रही है बिल्कुल। चलिए अब आपको एक बार फिर से करनाल लिए चलते हैं। हमें लगता है पहले सिलसिले को समझ लीजिए और उसके बाद जिक्र होगा कि किसानों को अब क्या करना चाहिए। ये सवाल शायद सबसे बड़ा है और किसान भी बीते करीब 10 महीनों से आंदोलन कर रहा है। वो बार बार कहता है हमारा तरीका गांधीवादी है, बार बार कहते हैं कि अपने तरीके से हम पॉलिटिकल नहीं हुए हैं, लेकिन 2024 तक हमारी बैठने की पूरी तैयारी है। इसके मतलब मायने जो भी निकाल लीजिए, लेकिन क्या इस दौर में आंदोलन को अब एक नई समझ विकसित करनी होगी, इस सवाल से पहले, क्योंकि करनाल में जो भी कुछ हो रहा है, हरियाणा में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, सरफोड़ किए गए, ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। आपको थोड़ी देर के लिए 2017 6 जून इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि किसानों की इस बैठक के बीच में वो किसान भी मौजूद हैं जो मंदसौर में किसानों की अगुवाई 4 साल पहले कर रहे थे। तो चलिए वहां बता दें कि शिवराज, ऐसे में उनका कहना था कि वहां पर जो घटना हुई थी उसको देखते हुए ये चीजें ली गई थी, और ऐसे में संघर्ष और किसानों के हक के सवालों को एकजुट किया गया और मंदसौर में आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद ही इसलिए कहा गया कि चलिए मंदसौर की आपको घटना बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या हुआ था वहां पर। 1 जून 2017 को में मंदसौर में किसानों ने मंदसौर में आंदोलन शुरू किया था। दो मार्च 2017 में वहां पर दूध बहा दिया गया था, सड़कों पर सब्जी फल सड़क पर फेंके गए थे। 4 जून को गाड़ियां जलाई गई और गुस्से में किसान था तब पुलिस ने भी कोई गोली नहीं चलाई थी। 5 जून को हिंसा दोबारा हुई और 6 जून को पीपली मंडी में CRPF की गोलियां से किसानों की मौत हुई थी। 5 पुलिस थाने का घेराव हुआ था तो वहां पुलिस ने गोलियां चलाई और 3 किसान वहां भी मरे, और किसान दलौंडा में मरा था एक किसान।
वहीं 8 तारीख को यानी कि 8 जून को वहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे और ऐसे में मंदसौर में उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। ये पूरी घटना हम आपको 2017 की बता रहे हैं और ऐसे में जाने की इजाजत नहीं दी गई थी और कुछ देर में उनको रिलीज भी कर दिया गया था। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, उन्हें जाने की इजाजत वहां पर नहीं दी गई थी। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो कुछ देर बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया था। वहीं 8 जून को एक कमीशन बैठक थी जिसमें कहा गया था कि मई 2018 तक आपको रिपोर्ट दे देनी है। और ऐसे में 13 जून को वहां ज्योतिराजय सिंधिया पहुंचे और मृतक के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की थी। ऐसे में एक साल के बाद स्थिति जो है वो बदल गई थी लेकिन रिपोर्ट नहीं आई और ऐसे में गांव में किसानों ने गांव से आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया था। तो राहुल गांधी बता दें 6 जून को फिर वहां पर पहुंचे थे और इसके बाद जब रिपोर्ट निकलकर सामने आई तो उसमें कुछ भी सामने नहीं आया था और राहुल गांधी 6 जून को वहां पर पहुंचे थे और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि आत्मरक्षा के लिए गोली चलाना आवश्यक और न्याय संगत था। तो बता दें 1 जून 2017 में मंदसौर में किसानों ने मंदसौर में आंदोलन जो है वो शुरू किया था और ऐसे में वहां पर कई किसानों की जान भी गई थी और ऐसे में राजनीति भी खूब हुई थी। 2 मार्च 2017 में वहां पर दूध बहा दिया गया था सड़कों पर, सब्जी फल सब कुछ सड़कों पर फेंक दिए गए थे और ऐसे में आपको बता दें कि ये जो है मंदसौर में हुआ था और इसीलिए अब कहा गया था कि मंदसौर की घटना को आज करनाल की घटना से भी जोड़ देखा जा रहा है। बीते दिनों करनाल में जो कुछ हुआ किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था, इसीलिए मंदसौर और करनाल की दोनों ही घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेताओं ने हरियाणा के करनाल जिले में महापंचायत आज बुलाई थी और इससे पहले मालूम हो कि रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में भी महापंचायत का आयोजन किया गया था जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा बीकेयू समेत कई किसान संगठनों के नेता इकट्ठे हुए थे और केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला था। ऐसे में करनाल में आयोजित होने वाली महापंचायत से पहले हरियाणा सरकार सतर्क हो गई और इंटरनेट सेवा भी पूरे जिले में कई 4 जिलों में बंद कर दी गई थी। साथ ही कई इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जानकारी दी थी कि मंगलवार को वो 10 बजे सुबह करनाल की अनाज मंडी में किसानों की पंचायत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी और वो हुआ भी जो किसानों की तरफ से कहा गया था। उन्होंने कहा था कि दिन भर की गतिविधियों का जायजा लेने के बाद मोर्चे ने अफसोस प्रकट किया कि हरियाणा सरकार ने शहीद सुशील काजल और अन्य घायल किसानों को मुआवजा देने के बजाय उन्हें अपराधी ठहराने की कोशिश की है। किसानों के सिर फोड़ने का हुक्म देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सरकार ने उन्हें इनाम दिया है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसानों को अनाज मंडी पहुंचने का आह्वान किया था और इसके साथ ही मोर्चा ने सभी किसानों से हर हालत में शांति बनाए रखने की भी अपील की थी। वहीं एसकेएम ने कहा था कि हरियाणा सरकार के पास अब एक ही हथकंडा बचा है कि वो किसी तरह किसान आंदोलन में हिंसा करवा कर उसे बदनाम कर दे। इसीलिए किसानों को विशेष रूप से सजग रहना होगा और वो सरकार और उसके एजेंडे को भी ऐसी कोई हरकत करने का कोई मौका न दे और किसी तरह के हिंसा की गुंजाइश ना हो, ये सभी चीजें किसानों को ध्यान में रखने के लिए कही गई थी। वहीं ऐसे में किसानों की महापंचायत से एक दिन पहले हरियाणा की खट्टर सरकार ने करनाल और उसके 4 आसपास के जिलों में पूरी तरह से इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने कहा था कि करनाल में आयोजित किसान पंचायत की वजह से कानून व्यवस्था में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
इसीलिए इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग की आशंका है और सरकारी प्रवक्ता ने आगे कहा था कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा कानून और व्यवस्था में जो है कोई भी तकलीफ ना आए, इसको देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। इंटरनेट बंद किए जाने के कदम का उद्देश्य SMS और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना भी है, जिससे अफवाहों भी फैल सकती है और उससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंच सकता है। सरकार ने सभी मैसेज सेवाओं और सभी टोंगल सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया था। ऐसे में किसानों की होने वाली इस महापंचायत को लेकर हरियाणा सरकार और प्रशासन पूरी तरह से कल से ही सतर्क हो गई थी। प्रशासन ने इलाके की सुरक्षा को बढ़ाते हुए धारा 144 भी लागू कर रखी है। महापंचायत पर बात करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह ने बताया कि करनाल प्रशासन से महापंचायत पर बात हुई लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है। हम महापंचायत करेंगे और साथ ही बता दें कि पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की कई सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में किसान और किसान नेता सरकार के कानूनों का विरोध करते हुए उन्हें रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों की मांग MSP पर कानून बनाने की भी है। किसान समय समय पर अपने आंदोलन की गति को और बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में किसान नेताओं ने महापंचायत करने का भी ऐलान किया है और 27 सितंबर को भारत बंद भी बुलाया है। वहीं किसान महापंचायत की वजह से बंद किए गए कई जिलों में इंटरनेट के चलते कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की आज जो परीक्षा होने वाली थी उसको भी टाल दिया गया था। ये परीक्षा अब बता दें 28 सितंबर को कराई जाएगी और ऐसे में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने ये जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय के लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि हरियाणा के कुछ हिस्सों में इंटरनेट बाधित होने की वजह से 7 सितंबर को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और तमाम आशंकाओं से भरी सोमवार की रात जहां किसान नेताओं ने तैयारियों में गुजारी वहीं पुलिस भी मोर्चाबंदी में जुटी रही। यानी कि एक तरफ तो किसान ये कहते हुए नजर आए कि हम जो है आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन लगातार किसानों की वजह से आम जनता ही परेशान होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में महापंचायत के बाद किसानों का अगले लक्ष्य लघु सचिवालय पहुंचने का था। इसी वजह से यहां GT रोड के निर्मल कुटिया चौक से लघु सचिवालय गेट तक बैरिकेड के ढेर लगा दिए गए थे। 5 ट्रॉले भी खड़े दिखाई दिए। इनका प्रयोग पहले की तरह रास्ता रोकने के लिए किया जा सकता था। वहीं बता दें उधर किसान नेता भी कई जगहों से किसानों को करनाल बुलाने में जुटे रहे और ऐसे में भारी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर की तरह ही करनाल में भी जुटते हुए नजर आए। वहीं करनाल में किसानों की महापंचायत में उपद्रव की आशंका को देखते हुए सरकार ने कुरुक्षेत्र, जिंद, पानीपत और कैथल में भी 7 सितंबर यानी कि 12 बजे तक आज रात को इंटरनेट सेवा बंद करने का ये फैसला किया था। वहीं CIG के ADGP ने सरकार को बताया था कि किसानों के प्रदर्शनों के दौरान करनाल और उसके आसपास के जिलों में स्थिति बिगड़ सकती है और इसीलिए विशेष एहतियात बरतने के लिए जरूरत है। वहीं देखिए करनाल प्रशासन ने किसानों को बातचीत के लिए नौता भी भेजा था। ऐसे में किसानों ने 11 नेताओं की कमेटी बनाई थी। वहीं किसानों के संयुक्त मोर्चा की ओर से राकेश टिकैत, बलवीर सिंह राजेवार, गुरनाम सिंह और डॉक्टर दर्शन पाल, रामपाल चहल, अजय राणा, सुखविंद्र सिंह और विकास रिसर, योगेंद्र यादव और इंद्रजीत सिंह, सुरेश कौत को कमेटी में शामिल किया गया था जो सभी बातचीत के लिए गए थे। दरअसल किसानों के इस महापंचायत पर CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का हक है। उन्होंने कहा कि किसानों की 11 सदस्यीय टीम के साथ जिला प्रशासन की बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हालात बिगड़ने पर कानून अपना काम करता है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत में भाग लेने के लिए करनाल पहुंचे थे, लेकिन राकेश टिकैत एक तरफ ये कहते हुए नजर आए कि सरकार से हमारी बातचीत नहीं हुई है। वहीं करनाल महापंचायत में भाग लेने के लिए हरियाणा के साथ ही पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी किसान वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसे में किसान जो हैं भारी संख्या में आज करनाल में जुटते हुए नजर आए, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में भी नजर आए थे।
इसी के साथ आज यूपी की भी बात कर लेते हैं, जहां सियासी हलचल आज काफी देखी गई। जी हां, एक तरफ तो लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया, तो वहीं अयोध्या से ओवैसी हुंकार भरते हुए नजर आए। बात लेकिन आज मायावती की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। ऐसे में मायावती ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ा है, और साथ ही सम्मेलन में मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार के दौरान ब्राह्मणों पर जो एक्शन हुआ उसकी जाँच कराई जाएगी। इसके अलावा जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों के मान सम्मान और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बसपा सर्वजन और लोगों के लिए काम करेगी और हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता है। मायावती ने मंत्र दिया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को तैयार करना है और सभी को एकजुट कर चलाना है। मायावती ने कहा कि इस बार बसपा की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी सरकार आई तो सरकार में एक बार फिर ब्राह्मणों को सही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और सभी का सम्मान भी किया जाएगा। वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने खूब निशाना साधा और कहा कि हमारी पार्टी दूसरे दलों की तरह हवा हवाई बातें नहीं करती, ना ही हम धर्म जाति के आधार पर किसी के बीच भेदभाव पैदा करते हैं। इसके अलावा बसपा सरकार ने हमेशा कानून का राज स्थापित किया है। मायावती ने कहा कि 2012 में सपा ने सत्ता में आकर यूपी का माहौल बिगाड़ा और उसके बाद 2017 में लोग बीजेपी के वादों में आ गए और बीजेपी की सरकार अभी तक अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई है। ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी की सरकार के मुक्ति बीजेपी सरकार से पाना चाहते हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कमर अब कस ली गई है। सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन पिछले एक महीने से करती आ रही है। ऐसे में मंगलवार को आज इसका समापन हुआ, जिसमें मायावती ने हिस्सा लिया। मायावती ने और क्या क्या कहा आपको भी सुनाते हैं।
तो ऐसे में चुनाव के समय ब्राह्मणों की याद आना केवल अवसरवादिता है और प्रदेश का ब्राह्मण इस बात को अच्छी तरह से जान रहा है कि ये अवसरवादी लोग अपने वोट बैंक को भुनाने आए हैं और इनमें ब्राह्मण हित नहीं है, केवल दिखावा ही मात्र है। ऐसे में अब ब्राह्मण किंग मेकर कौन बनेगा और किसका साथ देंगे ब्राह्मण, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से यूपी में अब राजनीति हो रखी है और जाति को लेकर ये राजनीति की जा रही है, वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, उससे तो ये साफ हो गया है कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी और अहम भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।